हमारे यहाँ सैकड़ों महिलाएं हैं और सैकड़ों संगठन भी है जो अंदर जाए और उनके लिए पारदर्शिता बना दीजिए। हम कई महिलाएं वहाँ जाके कोई हमारे रोजगारी के तहत बच्चियों को सिखाएंगे। अच्छा, दो स्वीपर ने हमें बताया था एक समोसे के लिए ऐसा उनसे सेक्सुअल रिलेशन बना लिया, तो अगर हम जैसे सामाजिक संगठन के लोग जाएंगे तो उनके खाने पीने की चीज़ भी ले जाएंगे। हो सकता है वो जो बहुत ज़्यादा आतुर रहती हैं बर्गर पिज्जा वो भी उनको मिलेगा, तो उनका भय और उनके लिए जो एक बहुत बड़ा बाहर से जुड़े रहने का एक जो अंदर से इच्छा होती है वो ख़त्म होगी, बच्चे हमारी तरह जीने का फील करेंगे। तो नेचुरली नहीं, आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना, जो आप कह रही हैं कि दो स्वीपर ने आपको बताया जी, कौन थे वो और क्या बताया उन्होंने? देखिए, ये एक जब ये सिस्टम चल रहा था वंदना गुप्ता के लिए, तो हम लोग कई जगह इन बिटवीन सबको दिख रहा था कि महिला विकास शांत पड़ी है। एक्चुअली ये गलत था, हम शांत बिल्कुल नहीं थे। हम कई नर्सों से मिले हैं, कई स्वीपर या अंदर के सिस्टम से, हमें लग रहा था ये बात दबे नहीं, तो बात को उजागर करने के लिए इच्छा होती है, तो हम लोगों ने सोचा कि जहाँ से भी हो सके, तो ये लड़के ने बिल्कुल हम लोगों से किसी कॉन्फिडेंस में हमें लेके तब उसने बताया। तो मेरा मकसद बिल्कुल हमारा मकसद नहीं है कि उसको मीडिया में लाया जाए, उसका जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए हम लोगों ने सिस्टम में बता दिया है, वो अपने हिसाब से करेंगे। दो सवाल मेरा, पहला सवाल कि वंदना गुप्ता को आप सॉफ्ट कॉर्नर में डाल रही हैं, किस तरफ आपका इशारा है? कॉर्नर में मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ चूंकि एक अरेस्ट हो गई महिला थी इसलिए सूली चढ़ गई है, सॉफ्ट कॉर्नर जरूर हो सकता था, लेकिन क्या वंदना गुप्ता अकेले थी ये पूरे प्रकरण में? 300 बच्चियों के ऊपर एक वंदना गुप्ता को रखना ये कहाँ से सही है? सबके घर में बाल बच्चेदार हैं, दो बच्चे घर में अच्छे से नहीं संभालते, 300 लड़कियों को क्या वंदना गुप्ता सही तरीके से संभाल पा रही थी? मैम, आप लोगों को क्या उम्मीद है जिस तरीके से SIT काम कर रही है, काम काफी धीमी से हुई है, और वंदना गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद क्या कई और राज खुलकर सामने आ सकते हैं, बड़े लोगों का हाथ सामने हो सकता है? आपको क्या लगता है 24 घंटे का क्लीन चिट मिलना और रातों रात सचिव का ट्रांसफर होना DM के रूप में, ये क्या है, ये क्या था? हम नहीं बोल सकते, लेकिन आप तो समझ सकते हो, आप मीडिया कर्मी हो, 24 घंटे में क्लीन चिट और उसके बाद सचिव जी का ट्रांसफर। नहीं, तो पहले आप लोग समाज कल्याण विभाग को लेके काफी बोलती भी थी कि उनके अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, अब जाके कहीं नाम नहीं आता है समाज कल्याण विभाग के जितने भी अधिकारी। अच्छा, एक बार जिक्र भी नहीं होता है कि हाँ हम लोग सिस्टम को चाहते सुधारे, अभी हम क्यों किसी का नाम लेंगे? आप ही मीडिया कर्मी है जो इतना सहायता किए, तो न्यायाधीश की उस पर नजर पड़ी और ये आप ही की जिम्मेदारी है, आप उजागर करें, आप जाइए भ्रष्टाचार पे काम कीजिए, हमें मत बोलिए, हमें देखना है कौन गलत कर रहा है, हम एक मतलब सम्मिलित रूप से सबका बोलेंगे और उसे उजागर करेंगे, बाकी काम आपका है आप करें। अगर सरकार चाहे, अगर सरकार सक्षम है और ठीक है, नहीं सक्षम है तो हम लोग करने को तैयार। रोजगार के लिए अगर लड़कियों को सीखने का जरूरत है तो हम लोग टीम है जो हमारे राष्ट्रीय सचिव जी हैं पंकज कुमार चौहान। प्रणाम, पंकज सिंह चौहान है। हमारा सरकार से और आप सभी मीडिया मंत्रियों से एक निवेदन, हम लोगों ने प्रयास किया, आप लोगों का सहयोग था और आज हम इस स्थिति में हैं। हमारा एक मतलब आप लोगों से आग्रह है, इस मैटर को इतना हाईलाइटेड कीजिए कि जो भी पहलू इसके पीछे छुपा है वो बाहर आ जाए और सरकार इस पर पुरजोर से काम करके ऐसे मामले को मतलब पैदा होने से पहले ही मार दे, या उस पर कोई ऐसा आए ही ना कि ऐसा काम हो भविष्य में। एक सेंटर हम काम मुजफ्फरपुर जो आज तक उसमें पर्दा रह गया, उठ नहीं पाया, क्या हुआ नहीं हुआ कोई उजागर आज तक नहीं हो पाया,
लेकिन जब मुद्दा सामने आया है खुल गया है, एक वंदना गुप्ता दोषी नहीं हो सकती। इसमें कितने लोग हैं ये हमें पता नहीं। रास्ता अब आप लोग हमें और मदद करिए, सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि इस मामले के तह तक जाए और इसकी टीम अलग से बैठे, अच्छी सोच और लेके इसको उजागर करें और बढ़िया से दोषियों को सजा दे।